हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम मेड मेकअप रिमूवर। क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है तो किसको मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, सभी फेस्टिव सीजन पर थोड़ा बहुत मेकअप कर ही लेते हैं। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं तो उसको रिमूव करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हम फेस्टिवल पर मेकअप करते हैं। क्योंकि मेकअप करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे प्राइमर यूज़ किया, लोशन यूज़ किया एंड फाउंडेशन यूज़ किया, ब्लशर, कंसीलर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फेस पर लगाते हैं। फेस पर जब हम लगाते हैं तो हमारे छिद्रों को बंद कर देता है, आपके पोर्स को बंद कर देता है, जिससे आपको स्वेटिंग नहीं होती और आपका मेकअप खराब नहीं होता। तो इसीलिए जब मेकअप पोर्स के अंदर चला जाता है तो उसको निकालना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल के साथ साथ उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप नहीं रिमूव करेंगे तो आपके आपके पोर्स जो हैं वो बंद रहेंगे और आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज घर पर आप अपने मेकअप को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो मेकअप रिमूवर बनाने के लिए आप कोई भी लोशन आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने ये लोशन ले लिया है। उसमें आप डालेंगे ऑलिव ऑयल, हाफ क्वांटिटी आप लेंगे ऑलिव ऑयल और हाफ क्वांटिटी आप लेंगे इस तरह से लोशन के अंदर। मैंने देखिए इस तरह से ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया, और इसमें आप डालेंगे एक स्पून रॉ मिल्क, कच्चा मिल्क आप इसमें डालेंगे। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप अपने जहाँ भी आपने मेकअप किया है, मैंने थोड़ा सा अपने रिस्ट पर मेकअप इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने मेकअप किया है। देखिए इतने पोर्शन में मेकअप नहीं है और यहाँ पर मैंने मेकअप किया है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स करके इस तरह से कॉटन की हेल्प से आप इस तरह से लगाएं, तीनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरह जहाँ भी आपने मेकअप किया है उसको आप इस तरह से, देखिए इस तरह से ये अपने आप मेकअप निकल जाएगा इस तरह से। कितना भी आपके पोर्स के अंदर मेकअप गया हो उसको अच्छे से आप मसाज करें, देखिए इस तरह से, इस तरह से आप मसाज करेंगे इसको अच्छे से, तो आपका सारा मेकअप, आपकी सारी स्किन एक जैसी हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने हैंड पे थोड़ा सा डेमो के लिए किया था, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के, हल्का सा फेस पाउडर वगैरह लगा के, कंसीलर लगा करके थोड़ा सा मेकअप किया था इसको। इस तरह से आप देखिए, देखिए सेम बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये देखिए निकल के सारा मेकअप आ गया है। इस तरह से आपका सारा जितना भी पोर्स के अंदर जितना भी मेकअप जाता है वो सब निकल जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने थोड़ा मेकअप किया था तो इसलिए आपको दोबारा से हल्का सा दोबारा एक बार क्लीन करने के बाद मेकअप इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन करें और अच्छे से मसाज करें, जो भी पोर्स के अंदर मेकअप गया होगा वो सारा आपका निकल जाएगा। बिल्कुल जैसे आपका हैंड होता है उसी तरह से स्मूथ। पर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें।